हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंटू भाटिया और इस वीडियो के थ्रू मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने स्मार्टफोन में जो भी वाईफाई कनेक्टेड है हम ब्लूटूथ के थ्रू कैसा शेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसा। बस आपके वाईफाई जो भी आपके मोबाइल फ़ोन में वाईफाई कनेक्टेड है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरा एक वाईफाई कनेक्टेड है, उस वाईफाई को मैं आपको शेयर करके दिखाऊंगा ब्लूटूथ के थ्रू विदाउट पासवर्ड। जैसे कि आप टीपी लिंक 73F7A2 करके जो है ये वाईफाई कनेक्टेड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे अपोजिट साइड एक और सैमसंग का स्मार्टफोन है जिसमें ऐसा कुछ पासवर्ड ही नहीं है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखिए मैंने वाईफाई ऑन किया है, इधर मैंने ऑन किया, इसको मैंने देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड कर दिया और यहाँ पे बोल रहा पास की मांगने को, लेकिन मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि हम बिना पासवर्ड के हम वाईफाई कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं वो भी ब्लूटूथ के थ्रू। बस आपको ये करना ही है, जो भी आपके मोबाइल फोन में वाईफाई कनेक्टेड है उसके अंदर जाइए, फिर ब्लूटूथ ऑन कर दीजिए। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ओनली विजुअल टू पेयर डिवाइस का करेगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बस आपको इतना ही करना है इसमें। उसके बाद जाइए आप टेंडरिंग एंड मोबाइल हॉटस्पॉट, ये ऑप्शन आपके मोबाइल फोन में रहेगा। आप मोर ऑप्शन में भी जाके, अदर कोई डिवाइस यूज करे उसमें मोर ऑप्शन करके रहेगा, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेंडरिंग एंड मोबाइल हॉटस्पॉट रहेगा, वहाँ पे ब्लूटूथ टेंडरिंग करके ऑप्शन दे रहेगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए। बस आपको इस स्मार्टफोन में बस इतना ही करना है, फिर आपका जो जिस मोबाइल फोन में आपको यूज करना है उसमें का ब्लूटूथ चालू कीजिए। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद आपको जो अपोजिट वाला मोबाइल है उसमें का आपको रेंज आएगा। तो यहाँ पे मैंने स्कैन किया, फिर यहाँ पे क्या अवेलेबल डिवाइस स्कैनिंग कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे स्कैन हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए ओपन करके जो मैंने ब्लूटूथ का नाम है इस पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे पैरिंग हो रहा है। तो पैरिंग होना तो अपोजिट जो जिसमें आप कनेक्टेड देगा उसमें परमिशन मांगता है कि आप करना चाहेंगे कि नहीं, यहाँ पे भी ओके कर दीजिए, और जो आपके मोबाइल फोन है स्मार्टफोन इसमें भी ओके कर दीजिए। फिर यहाँ पे आप टॉप पे देखेंगे ओपन करके यहाँ पे पैर रहेगा, फिर आपको जाना है, अगर आप सैमसंग का फोन यूज कर रहे हैं तो आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में इंटरनेट एक्सेस करके दिया रहेगा ऑप्शन, तो वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है, कनेक्टिंग होने के बाद यहाँ पे देखिए कनेक्टेड टू डिवाइस फॉर इंटरनेट, तो कुछ इस टाइप्स के आइकॉन बन के आएंगे। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वाईफाई कनेक्टेड है और नेट भी कनेक्टेड है। अब मैं आपको दिखा दूंगा कि वाईफाई चल भी रहा है, नेट भी चल रहा है। चलिए देखते हैं। ये मैंने यूट्यूब ओपन किया, यूट्यूब ओपन करने के बाद जो भी आपको सर्च करना है वो कर दीजिए। जैसे कि मेरे फ्रेंड्स का एक जो ये टेक लवर है उसमें का मैं एक वीडियो आपको चालू करके दिखाता हूँ। इधर MI 2000 पावर बैंक का मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो चल रहा है। ये वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको अदर वीडियो भी दिखा देता हूँ, जैसे कि इधर Redmi Note 3 चार्जिंग टेस्ट का मेरे दोस्त ने बनाया है, उसको मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे आप देख रहे हैं बफरिंग भी हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो चल रहा है, इससे आपको पता चल गया रहेगा, इससे आपको पता चल गया रहेगा कि हमारा ये जो ट्रिक्स है वो काम कर रहा है। और बिना हम पासवर्ड डाले ही आपके सामने जो भी हुआ आप देख सकते हैं, बिना हम लोग पासवर्ड डाले ही और अपना इंटरनेट यूज कर रहे हैं। इस वीडियो को देख के आपको जैसा लगा आप हमारे कमेंट में हमें लिख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि आइडिया किसी और को भी शेयर करें, तो अपने फ्रेंड्स को या किसको भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई।